मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, जिससे प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खरगोन और देवास में अगले 24 घंटों में अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। इससे इन जिलों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति का खतरा बना हुआ है। वहीं रविवार को भोपाल में रुक रुक कर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल में अगले 4 दिन तक सूरज निकलने की संभावना कम है। शहर के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। अरेरा हिल्स, बैरागढ़, नरेला और कोलार में आज झमाझम बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं इसके साथ इंदौर, उज्जैन, रायसेन, सीहोर, खंडवा, धार, रतलाम, शाजापुर सहित 22 जिलों में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं ग्वालियर, रीवा, सतना, जबलपुर, सागर, दमोह और शहडोल समेत 28 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ मंगलवार 3 सितंबर को सीहोर, बैतूल, हरदा, रतलाम, देवास, मंदसौर और भिंड में भारी बारिश होने की संभावना के साथ साथ भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, शहडोल, नर्मदापुरम सहित 48 जिलों में हल्की से तेज बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश धावले के अनुसार ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के आसपास एक कम दबाव वाला क्षेत्र सक्रिय है, जो अगले 24 घंटों में कमजोर हो रहा है। इसके अलावा गंगानगर, गुना, मंडला और दक्षिण छत्तीसगढ़ में मानसूनी गतिविधियां बनी हुई हैं, जो बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रही है। हरियाणा के ऊपर एक चक्रवात भी सक्रिय है, जो मौसम में बदलाव का संकेत दे रहा है। इधर रविवार को दोपहर इंदौर में हुई तेज बारिश के बाद शहर के कई निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन चुकी है। लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। खासतौर पर पलासिया, विजयनगर, एमजी रोड और राज मोहल्ला क्षेत्र जैसों में सड़कों पर पानी जमा हो गया है। इसके अलावा बाणगंगा, मल्हारगंज और भवरकुआ में भी जलभराव के कारण आवागमन में रुकावटें सामने आई हैं। वहीं बीते 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। रविवार को भोपाल के केरवा डैम के 3 गेट खोल चुके गए हैं। वहीं उज्जैन के गंभीर बांध के 2 गेट और नर्मदापुरम के तवा डैम के 7 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।